स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी वीडियो। लाइक दिवाली है एंड दिवाली पे डेकोरेशन करना तो बनता है, तो मैंने परचेज किए हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स विच आई वॉन्ट टू शो टू यू। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए राठौगढ़ ब्लॉग्स एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप मेरी ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के जो है एक्सपीरियंस लेते रहे। ओके फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल लड़ी जो कि मेन गेट पे जो है मैं अपने घर के मेन गेट पे उसको डेकोर करूंगी और बहुत ही प्यारी है और मैंने खरीदी है रेड कलर में। सो दिस इज यू कैन सी ये देख सकते हो गाइस आप, इसमें ये मिरर वर्क हो रखा है एंड ये रेड रेड कलर के जो है इसमें लटकन्स लगे हुए हैं। एंड जब मैं इसको खरीद के लेकर आई थी मम्मी को बहुत पसंद आई, मम्मी लाइक शी इम्प्रेस्ड अ लॉट। तो कैसा लगा गाइस आपको मेरा ये कलेक्शन? इट इज इन रेड कलर और ये बहुत ही प्यारी है एंड इट्स वेरी लॉन्ग। ये आप देख सकते हो एंड में इसके ये दो लटकन लगी हुई है। ये जो है आप अपने मेन गेट के एंटर्स पे लगा सकते हो या फिर आप इसे अपना टेंपल जो है आपका घर में छोटा सा मंदिर है वो भी आप सजा सकते हैं। एंड आप देख सकते हो इसमें कितने प्यारे प्यारे जो है डिजाइनिंग की गई है एंड हेयर इज द मिरर वर्क आल्सो। तो इसको मैं यूज करने वाली हूँ दिवाली पे डेकोरेशन के लिए और इससे जो है मैं हमारे घर का जो मेन डोर है वो डेकोर करूंगी। तो ये जो है इसके साथ एक और है, ये मैंने पेयर में परचेज किया है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए गाइस इसके एंड पे ये लटकन लगी हुई है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इससे जो है आपके घर की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। कैसा लगा गाइस आपको ये डेकोरेटिव पीस? इससे मैं करने वाली हूँ डेकोरेशन अपने घर में। तो एंड फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ हैंगिंग्स एंड हैंगिंग्स आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें पूरे के पूरे दो टायर लगे हुए हैं और नीचे की तरफ लटकन है। तो ये भी आप अपने डोर्स वगैरह में लगा सकते हो और ये बहुत ही प्रिटी लगती हैं। लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि हमें लटकन्स यूज करनी चाहिए। ये आपके घर को बहुत ही सुंदर एंड डेकोरेटिव बनाती हैं, लाइक बहुत एलिगेंट लगने वाला है। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये इसमें आप देख सकते हैं ये लटकन एंड ये, और इसमें आपको ये हैंगिंग का मिल जाएगा। तो ये आप इसको किसी भी डोर पे ऐसे जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में अगर आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत प्यारा लगने वाला है गेट के दोनों तरफ। तो ये एक मैंने परचेज की थी दिवाली डेकोरेशन के लिए। तो ये लड़ियां, ये हैंगिंग्स आपको कैसे लगी प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये काफी लॉन्ग है ये देखिए गाइस, इसके बीच में ये सतिया बने हुए हैं। तो इसको भी जो है आई गेस इसको मैंने डिसाइड किया है कि इसको मैं अपने मंदिर के डोर पे, लाइक हमारा एक अलग से मंदिर है घर में, तो इसको मैं मंदिर वाले कमरे में लगाऊंगी डोर पे एंट्रेंस पे दोनों तरफ हैंगिंग्स। कैसी लगी गाइस आपको ये वाली हैंगिंग्स प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट मूव टू दी अनदर हैंगिंग्स जो कि मैं लेकर आई हूँ, बट अगर आपको ये वाली ब्यूटीफुल लगी है तो प्लीज मेंशन दी कमेंट सेक्शन। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। सो इसको मैं यूज करूंगी अपने मंदिर के कमरे में, मंदिर के एंट्रेंस पे। इसी के साथ मैं ये छोटे वाले भी लेकर आई हूँ हैंगिंग्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपने मार्केट वगैरह में देखे होंगे और आजकल ये बहुत ट्रेंडी भी चल रहे हैं। तो इसको क्या है, इसे डेकोर करके आपका जो घर है वो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है दिवाली वाले दिन। इयररिंग्स टाइप है बट ये काफी बड़े बड़े हैं तो इनको हम हैंगिंग्स बोलते हैं। इनको मैं डेकोर करने वाली हूँ। तो इनको मैंने डिसाइड किया है, लाइक हमारे घर में जो है वेंटिलेटर जाले बने हुए हैं तो उनको मैं इसमें हैंग करूंगी। तो ये हैंगिंग आप देख सकते हो और इससे आप अपने घर का डेकोरेशन कीजिए, डेफिनेटली आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगने वाले हैं ऑन दिस दिवाली। ये एक मैंने परचेज किया था गाइस मार्केट से। ये इस टाइप की भी लटकन ली है, आप देख सकते हो इसमें हमारी गौ माता बनी हुई है। हियर आई कैन शो यू, ये देखिए गाइस। और मुझे ये पीस भी बहुत प्यारा लगा था तो मैंने ये भी परचेज किया। तो इसको जो है हमारे मंदिर के कमरे में, जो मंदिर हमने रखा हुआ है, ये मैं उसके
लेफ्ट एंड राइट साइड पे लगाऊंगी, तो इससे हमारे मंदिर की जो खूबसूरती है वो और बढ़ जाएगी। तो आपको कैसी लगी गाइस ये वाली हैंगिंग्स? तो ये मेरे को बड़ी पसंद आई थी, लाइक इसका जो ये पिंक पिंक कलर की जो डेकोरेशन की हुई है, मेरे को ये सबसे पहले जो है भाई थी आंखों में, और बीच में जो ये गाय माता है, तो इससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुई थी और फिर मैंने इसको खरीदा था। और इसके नीचे आप ये देख सकते हो ये घंटियां बनी हुई है सब बेल, तो ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो इससे जो मैं करने वाली हूँ इस दिवाली अपने घर की डेकोरेशन। तो कैसा लगा गाइस आपको ये वाला हैंगिंग सेट? डेकोरेटिव पीसेस गाइस, तो ये आप देख सकते हो ये मैंने ऐसे करके ये चार लिए हैं, और इसमें ये सतिया बना हुआ है, ये देखिए गाइस। तो ये छोटे छोटे भी जो हैं आप अपने विंडो वगैरह में इससे डेकोरेशन कर सकते हो। तो मैंने ये चार पीसेस लिए हैं, और मैं जितने भी पीसेस आपको दिखा रही हूँ गाइस, लेट यू नो कि ये सारे के सारे मैंने मार्केट से परचेज किए हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाले डेकोरेटिव पीसेस आपको भी आपके मार्केट में मिल जाएंगे, बिकॉज ये इस टाइप की न्यू डिजाइनिंग आई हैं, तो मोस्टली सब जगह ये दिख ही रहे हैं, तो ये भी यूनिक कलेक्शन आपको दिख जाएंगे। तो आप भी जो है इनको परचेज करके अपने मंदिर और अपने घर की डेकोरेशन कर सकते हो। मुझे ये बड़े प्यारे लगे थे इसलिए मैंने ये परचेज किए, और मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों को भी आइडियाज एंड दिखा सकूं कि आप भी इस तरीके के खरीद सकते हैं। सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वाले जो हैंगिंग्स हैं क्यूट क्यूट से छोटे छोटे कैसे लगे, और इसमें आप नीचे देख सकते हो बेल्स लगी हुई है। ये आप देख सकते हो गौ माता के शुभ एंड लाभ, तो ये मम्मी को बहुत पसंद आए थे, तो ये भी मुझे कुछ यूनिक नजर आया था मार्केट में। तो ये आप देख सकते हो ये लटकन इसके साथ लगे हुए हैं। इस टाइप के गाइस सिंपल से मेरे पास इयररिंग्स भी हैं इस वाले उसमें फैब्रिक में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुभ लाभ। तो दिस आई फाउंड अ वेरी यूनिक थिंग, सो दिस इज द यूनिक थिंग आई फाउंड इन द मार्केट टू डेकोर माय होम। तो ये वाला आपको कैसा लगा गाइस, गौ माता का शुभ लाभ विद हैंगिंग्स? चलिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या खरीदा। तो मैंने गाइस एक और टाइप की जो है हैंगिंग्स खरीदी हैं, और वो बिल्कुल मेरे कुर्ती से मैच करते हुए है, एंड इट्स आल्सो सो यूनिक कलेक्शन व्हिच आई फाउंड इन माय मार्केट, माय एरिया मार्केट। सो हियर इज द कलेक्शन गाइस, ये देखिए गाइस कितना प्यारा है ये भी, इसका मुझे कलर बड़ा प्यारा लगा था, लाइक ये येलो कलर में ही अवेलेबल थे ये वाले हैंगिंग्स। तो इससे भी जो है मैं अपने घर की डेकोरेशन करने वाली हूँ दिस दिवाली। तो कैसा लगा गाइज आपको ये वाली हैंगिंग्स, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप भी जो है इस टाइप के सिमिलर हैंगिंग्स ला सकते हैं और अपने घर की डेकोरेशन कर सकते हो। सी गाइज यहाँ पर ये राजस्थानी जो है गुड्डा गुड़िया लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लुक आता है ना गाइज, प्यारा। ये इसमें नीचे हैंगिंग्स है, और उसके अलावा गाइस मैंने रंगोली बनाने के लिए कलर्स लिए हैं, तो इसमें पूरे के पूरे 10 कलर हैं अलग अलग, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दिवाली वाले दिन मैं इससे रंगोली बनाने वाली हूँ, जैसे कि कल दिवाली है, तो कल मैं जो है इन ये सारी डेकोरेशन एंड इन कलर्स से जो है रंगोली बनाऊंगी, और रंगोली किस तरीके की बनाऊंगी उसका एक अलग वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड फ्रेंड्स उसके अलावा ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो इसको भी मैं रंगोली में यूज करूंगी, लाइक दियो वाली वो प्लेट जो कि आज बहुत ट्रेंडिंग चल रही है आजकल, ये आपको हर जगह मिल जाएगी, मीशो फ्लिपकार्ट अमेजोन एनी फ्रॉम एनी वे यू कैन परचेज। तो मैंने ये एक परचेज करी थी, इसको भी मैं रंगोली के साथ यूज करूंगी। तो बेसिकली ये सारा का सारा डेकोरेशन मैं यूज करने वाली हूँ दिवाली। एंड फ्रेंड्स उसके अलावा मैंने ये खरीदा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये रोज पेटल्स हैं, इसमें काफी सारे अलग अलग टाइप की हैं, तो इसको मैं एक बाउल में पानी डाल के, या अगर पानी नहीं भी डालते तो एक बाउल में इसको डाल दो, और आप अपने इसको डाइनिंग टेबल में जो टेबल होता है या फिर सोफा टेबल होता है उसके ऊपर रख सकते हो। तो ये डेकोरेटिव आइटम मैंने खरीदी थी, तो ये मैं यूज करने वाली हूँ ऑन दिवाली। मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी कि क्या क्या आप डेकोरेशन में ऐड कर सकते हो अपने घर को सजाने के लिए। मेरे को ऐसा प्रेफरेबल लगता है कि हैंगिंग ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर। आर्टिफिशियल फ्लावर आप रंगोली में यूज कर सकते हो, बट मुझे लगता है ऐसी बंटिंग्स एंड हैंगिंग्स आप खरीद सकते हो अपने घर को डेकोर करने के लिए। लाइक जब मैं ये परचेस करके लाई थी तो मेरी मम्मी को तो बहुत पसंद आए थे, आपके घर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई कलेक्शंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, एंड आप सभी को विशिंग अ वेरी हैप्पी दिवाली। टेक केयर, खूब मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, बट अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। तो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, टेक केयर।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल राठौर ब्लॉग्स।